बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल खालिद व्लॉग टीवी। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सबका व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सॉरी मेरा गला सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है। और सुबह सवेरे मैं 5 बजे सब्जी मंडी कराची पहुँच चुका हूँ और आपको न्यू अपडेट देने के लिए आ चुका हूँ इंशाल्लाह। तो इसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ, गला मेरा थोड़ा सही नहीं है, खांसी वगैरह हो रही है। 4 बजे मैं निकला हूँ अपने घर से और अभी 5 बज रहे हैं, 5:05 हो रहे हैं, तो मैं कराची सब्जी मंडी पहुँच चुका हूँ। तमाम देखने वालों से, नए जो व्यूवर्स आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है और इंशाल्लाह मैं आपकी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ इंशाल्लाह। सुबह के 5 बज रहे हैं, 5:06 हो रहे हैं और ये सीन चेक करें आप। तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे हम लोग सब्जी मंडी में फैमिली के साथ किस टाइम आ सकते हैं। मैंने कहा था आपको आप सुबह 7 बजे से 8 बजे के दरमियान आ सकते हैं। रात को आने का इस टाइम आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस टाइम सब्ज़ी भी थोड़ी महंगी होती है, सुबह के टाइम रेट सही होते हैं। अभी मैंने 2-3 जगह से रेट टच किया है, मालूम किया तो उन्होंने कल से ज़्यादा रेट बताए हैं। इसका मतलब ये है कि रात में सब्ज़ी महंगी होती है और सुबह में थोड़ी सही रेट पर देते हैं ये लोग। तो तमाम देखने वालों से ये गुजारिश है, जो नए नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको, आज बताता हूँ सब्ज़ी मंडी की न्यू अपडेट, सब्ज़ी मंडी में आज सब्ज़ी किस रेट पर बिक रही है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये फूल गोभी क्या दाम दे रहे हो भैया? 60 रुपए किलो। लेने हैं तो सही हो जाएगी, 50 तक हो जाएगी ना? नहीं है। और ये टिंडा, टिंडा क्या हिसाब दोगे? टिंडा 20 रुपए किलो। और बैंगन? बैंगन 40। बैंगन 40। अच्छा टमाटर की पेटी कितने की आज? टमाटर की पेटी 1200। 12 किलो, 13 किलो टमाटर है इसमें? 12-13 किलो हो जाएगा, ठीक। और मटर? मटर 120 का। 120 रुपए किलो। 110 का लगाएगा चाहिए? 110 रुपए लग जाएगा, ठीक। ये मटर आप देख सकते हैं 110 रुपए किलो बता रहे हैं भाई। ये टिंडा है भाई ने 20 रुपए किलो बताया, टिंडा 20 रुपए किलो। और बैंगन जो है हम बैंगन 30 रुपए किलो बता रहे हैं। ये टमाटर पड़ा हुआ है इनके पास, टमाटर बता रहे हैं 1200 रुपए का, 13 किलो 14 किलो 13 किलो टमाटर वजन है इसका। शिमला मिर्ची के प्राइस बता रहे हैं 20 रुपए किलो, 20। अभी रात का टाइम है, 5:30 हो रहे हैं, तो सुबह में रेट में फ़र्क हो सकता है। बंद गोभी है, बंद गोभी देख लें आप, ताज़ी बंद गोभी है, ये 40 रुपए किलो बता रहे हैं भाई। अभी सुबह शायद और भी सस्ती हो सकती है। और ये खीरा, खीरा क्या दाम दे रहे हो भैया? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो खीरा, देखें आप बिल्कुल ताज़ा खीरा है, 20 रुपए किलो बता रहे हैं भाई, ताज़ा फ्रेश खीरा है। दुकान का आप एड्रेस बता सकते हैं अपनी दुकान का? जी बता सकते हैं जी। क्या है दुकान का नाम? है रशीद गनी रज्जू। रशीद गनी? रशीद गनी रज्जू। रशीद गनी रज्जू मेमन शेड में? मेमन शेड में। सही है, मेमन शेड का पहला पहला दुकान हो गया, रशीद गनी रज्जू, ठीक है। सही, पूरी मंडी से रेट भी कम मिलेगा, रेट कम मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। सुबह के टाइम मजीद और सुबह के टाइम मजीद और कम हो जाएगा रेट, कम हो जाएगा ना, ठीक है। ये देखें ये चने, चने भी आ चुके हैं सब्जी मंडी कराची में, चने ये 240 रुपए किलो बता रहे हैं भाई। चना देखें, मेरा गला कुछ सही नहीं आ रहा, तो एक तो आवाज़ सही नहीं आ रही उसके लिए सॉरी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। मूली रखिए, मूली के प्राइस आपसे शेयर कर दूँ, मूली 10 रुपए किलो दे रहे हैं, मूली 8 रुपए और 10 रुपए वही कल वाला रेट है। सुबह के टाइम और रेट में मज़ीद फ़र्क हो सकता है। मटर देखें आप, मटर कितनी ज़्यादा पड़ी है मटर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, एक लाइक आपका मेरी हौसला अफजाई बढ़ाएगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। और इसी तरह प्यार देते रहे, इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहे इंशाल्लाह, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आया करूँगा इंशाल्लाह। ये भाई से मैंने पालक पूछी है, पालक बता रहे हैं 15 रुपए किलो, और जो है ना सरसों का साग जो इधर 15 रुपए किलो इस टाइम का रेट है, जो सुबह और कम हो सकते हैं मज़ीद। जो ये शलजम पड़ा है, शलजम पत्ते वाला शलजम जो है ये भी 15 रुपए 16 रुपए बता रहे हैं, सुबह और मज़ीद कम हो सकता है। अभी इस टाइम 5:30 बज रहे हैं, सुबह 7-8 बजे आप आओगे और मज़ीद कम हो सकता है, कम पेश हो सकती है। धनिया की गड्डी जो है 3 रुपए की दे रहे हैं और पुदीने की गड्डी 4 रुपए की।
इसी तरह हौसला अफजाई करते रहे मेरी और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे। और एक भाई कमेंट कर रहा था, बता रहे बार बार पूछ रहे मुझसे कि सब्जी मंडी में प्याज स्टोर हो रही है, प्याज स्टोर हो रही है। तो मेरे भाई स्टोर प्याज के स्टोर जो है ना सब्जी मंडी के अंदर नहीं होते, वो गोदाम बाहर होते हैं, सब्जी मंडी से बाहर होते हैं स्टोर जो होते हैं। और इस महंगाई में जो है ना प्याज स्टोर नहीं कर सकते, 180 रुपये, 170 रुपये, 160 रुपये किलो मंडी का रेट चल रहा है, इस महंगाई में स्टोर नहीं होती है प्याज। टमाटर कितने का बता रहा है? 1000 रुपए की पेटी, 1000 रुपए की, 15-16 किलो टमाटर है, 16 किलो पक्का टमाटर है। और लौकी 15 रुपए किलो, 15 रुपए किलो लौकी, 15 रुपए किलो। ये लौकी देखें, लौकी 15 रुपए किलो बता रहे हैं, लौकी भी अच्छी ताजी लौकी है। 1200 रुपए मंडी। टमाटर देखें आप, टमाटर ये पेटी में पड़ जाएगा 60-65 रुपए, 70 रुपए किलो, आप 60-65 रुपए किलो। ये मुंगरा रखा है, मुंगरे के प्राइस आपसे शेयर कर दो। मुंगरा देखें, मुंगरा 80 रुपए किलो बता रहे हैं, 70 रुपए किलो मिल जाएगा, 70-80 रुपए किलो। शलजम के प्राइस शेयर कर दो आपसे, शलजम 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो बताया लेकिन 15 रुपए किलो तक मिल जाएगा। सब्जी मंडी बिल्कुल सस्ती हो चुकी है, सब्जी इंतहाई सस्ती मिल रही है यहाँ पर। ये आपको वहाँ 50-60 रुपए से, 70 रुपए से कम नहीं देंगे किलो। ककड़ी देख रहे हैं आप, ककड़ी अच्छी वाली है, 40 रुपए किलो दे रहे हैं ककड़ी। फूल गोभी देखें, फूल गोभी बिल्कुल ताज़ी है, 60 रुपए बता रहे हैं लेकिन 50 रुपए किलो तक हो जाएगी, 50 रुपए किलो मिल जाएगी। अभी सुबह हो चुकी है, 50 रुपए किलो हो जाएगी भाई जान। क्या किलो लगेगी? ये कम नहीं होगी, 50 रुपए किलो एकदम। ये टिंडे के प्राइस शेयर कर दूं मैं आपसे, असल वाला टिंडे, अच्छा वाला ये टिंडा होता है, ये 60 रुपए किलो दे रहे हैं, 60 रुपए किलो। अरबी, अरबी के प्राइस शेयर कर दूं मैं आपसे, अरबी जो है ना 70 रुपए किलो बता रहे हैं लेकिन 65 रुपए किलो लग जाएगी कह रहे हैं, 65 रुपए किलो। सब्जी मंडी कराची में सब्जी सस्ती हो चुकी है बिल्कुल, 35 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, 35 रुपए किलो बता रहे हैं ये मामा। भुट्टा 35 रुपए किलो, भुट्टा अच्छा वाला है, ताज़ा भुट्टा। ये देसी लहसुन है, देसी लहसुन पड़ा हुआ है, 220 रुपए किलो बता रहे हैं भाई देसी लहसुन। ये एक और अच्छी ताज़ी फूल गोभी नज़र आई है मुझे, ये भाई 60 रुपए किलो कह रहे हैं लेकिन कह रहे हैं 55 रुपए किलो लग जाएगी। ताज़ी गोभी, अच्छी वाली गोभी है ये भी, 60 रुपए किलो बता रहे हैं, 55 रुपए लग जाएगी। धनिया पुदीना देख सकते हैं, धनिया पुदीना 3-3 रुपए गड्ढी कह रहे हैं, 3 रुपए गड्ढी धनिया पुदीना, 3 रुपए। मेथी क्या किलो है सेठ? 40 रुपए किलो मेथी, 40 रुपए किलो दे रहे हैं, देखो ताज़ा मेथी है बिल्कुल, 40 रुपए किलो बता रहे हैं। पालक देख लें आप, बिल्कुल ताज़ा पालक है, 15 रुपए किलो कह रहे हैं ये भाई जान, 15 रुपए किलो ताज़ी पालक बिल्कुल। मिर्ची आपसे शेयर कर दूं, मिर्ची मोटी वाली मिर्ची के प्राइस ये 40 रुपए किलो बता रहे हैं, 40-35-40 रुपए किलो हो जाएगी। ये पालक चेक करें आप, ये पालक, ये ऐसे ये कह रहे रहते हैं सिंधी पालक, सिंधी पालक 20 रुपए किलो दे रहे हैं मंडी में। बाकी ये धनिया, धनिया की गड्ढी 3 रुपए की, धनिया आपसे पहले भी मैंने शेयर किया, धनिया 3 रुपए का, पुदीना 4 रुपए का। और एक कोई नीचे कमेंट कर रहा था कड़ी पत्ता भी बताया करें, तो कड़ी पत्ता मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता इस वक्त ये भी 4-4 रुपए का दे रहे हैं, 3 रुपए का भी हो सकता है अगर लेने आएंगे आप तो। मिर्ची मलेर वाली भी 40 रुपए और मोटी वाली, मोटी भी 40 रुपए किलो दोनों, ये भी 40 रुपए किलो मलेर वाली और मोटी वाली भी 40 रुपए किलो। ये लंबे वाले बैंगन आपसे शेयर कर दो, लंबे 35 रुपए किलो बता रहे हैं, 30 रुपए किलो तक हो जाएंगे ये लंबे वाले बैंगन, सिर्फ 30 रुपए किलो। सिंगाड़ा, सिंगाड़े के प्राइस शेयर कर दो, सिंगाड़ा 90 रुपए किलो, वही वाले कल वाला रेट चल रहा है, 100-95 रुपए किलो। ये अभी रात के टाइम के रेट है, सुबह पता नहीं और कुछ हो सकता है बिल्कुल। टैर हाँ, वीडियो बना रहा भाई, यूट्यूबर बन गया तेरा भाई। भिंडी, भिंडी क्या दाम दे रहा है? भिंडी 160 रुपए किलो, सुल्तानाबाद वाली है क्या? सुल्तानाबाद नहीं है, सागर वाला, सागर वाला 160 रुपए किलो गवार फली। अच्छा, ये गवार फली देख सकते हैं आप, बिल्कुल ताज़ी गवार फली है, 160 रुपए किलो बता रहे हैं भाई, 160 रुपए किलो। चुकंदर इनके पास पड़े, चुकंदर बोल रहे हैं 30 रुपए किलो दे देंगे, कोई लेने आएगा तो 30 रुपए किलो तक। अदरक के प्राइस शेयर कर रहा हूँ आपसे, अदरक देख लें, अदरक 230 रुपए किलो बता रहे हैं भाई। और
और ये नींबू है, नींबू 80 रुपए किलो बता रहे हैं, लेकिन 70 रुपए किलो तक हो जाएगा। और ये चाइना लहसुन है, चाइना लहसुन के प्राइस शेयर कर रहा हूँ आपसे, 260 रुपए किलो, 250 रुपए तक हो जाएंगे। ये एक और भाई के पास नींबू पड़ा, नींबू ये भी 60 रुपए किलो दे रहे हैं, नींबू देखें आप। शकरकंडी देखो आप, शकरकंडी के प्राइस शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे, ये 60 रुपए किलो दे रहे हैं भाई, शकरकंडी 60 रुपए किलो। बंद गोभी देखिए, बंद गोभी और किस्म की है, 100 रुपए किलो बता रहे हैं बंद गोभी, देखें आप सिर्फ 100 रुपए किलो, सब्जी मंडी कराची। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल पे जितने नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई और बढ़ती रहे। आलू के प्राइस भी आपसे शेयर कर दूं, ये नया वाला आलू है, नया आलू देखें, ये 55 रुपए किलो बता रहे हैं, 50 रुपए किलो हो चुका है सब्जी मंडी कराची में आलू नया वाला। ये प्याज, प्याज भी दिखा दूं मैं आपको, ये प्याज है पाकिस्तानी प्याज है, प्याज के प्राइस शेयर कर रहा हूं मैं आपसे, प्याज है 170 रुपए किलो बता रहे हैं भाई, 170 रुपए किलो। यार प्याज नीचे नहीं आ रही, और भाई मेरे पूछ रहे थे प्याज स्टॉक हो रही है, तो महंगाई में प्याज स्टॉक नहीं होती मेरे भाई, जब सस्ती होगी तब स्टॉक करें ये लोग। और जो प्याज के गोदाम है कहाँ पर, वो भी कभी मैं विजिट कराऊँगा इंशाल्लाह, प्याज कहाँ पे होती है, ये सब्जी मंडी से बाहर होती है वो जो स्टॉक करते हैं। तो यहीं पे वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जितने मेरे आखिर में गाजर के प्राइस शेयर कर दूँ, गाजर 45 रुपए किलो बता रहे हैं, लेने आएंगे तो 40 रुपए तक हो जाएगी गाजर, देखें आप बिल्कुल लाल मीठी गाजर, सीन चेक करें आप। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरी तबीयत वैसे भी सही नहीं है, तो कल तक के लिए खालिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। आज मैं जल्दी आया हूँ, सब्ज़ी भी लिया अपनी, सब्ज़ी वगैरह भी लिए, मटर लिए मैंने, गाजर वगैरह लिए, बाकी सब्ज़ी और सामान लिए, और आपको अपनी शॉप भी मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी, बहुत जल्द। और मैं कह रहा था कोई भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपके जहन में सवाल आ रहा हो, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगा, मैं आपको बताया उसका जवाब दिया करूँगा इंशाल्लाह। तो कल तक के लिए खालिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।